नेगेटिविटी शक्ति विहीन है, शक्ति है नहीं, लेकिन जिसके अंदर है अंधेरा। सर जी ये कॉमन फैमिली में पैदा होना एक वरदान है। संघर्ष डरने वाली चीज नहीं है, संघर्ष शक्ति की मां है। वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। शक्ति बढ़ानी है तो संघर्ष बढ़ा दो। जितना पसीना बहेगा उतना पौरुष बहेगा। किताबें एक माध्यम है मन को जगाने का, एक माध्यम है, सिर्फ माध्यम नहीं है, एक माध्यम है। अपनी ऊर्जा को पॉजिटिविटी में लगाइए, आइए हमारे साथ काम करिए। नेगेटिविटी का कोई फायदा नहीं है दुनिया में, हाई नहीं, मतलब ही नहीं है। नेगेटिविटी अंधकार की तरह है, डार्कनेस, जैसे ही रोशनी चलेगी गायब हो जाएगी। यही समानता है नेगेटिविटी और डार्कनेस में। डार्कनेस में कोई शक्ति नहीं है, हाई नहीं, तो मैग्नीफाइंग लेंस लेके डार्क रूम में जाओगे तो ऐसा नहीं सारी डार्कनेस एक जगह कंसंट्रेट होकर कहीं आग लगा देगी। नेगेटिविटी शक्ति विहीन है, शक्ति है नहीं, लेकिन जिसके अंदर है अंधेरा उसको मिटा देती है। सर जी ये कॉमन फैमिली में पैदा होना एक वरदान है। एक तो प्रेम बहुत मिलता है, माँ बाप के पास टाइम ही टाइम है, और दूसरा चुनौतियां बहुत मिलती हैं। और संघर्ष शक्ति की मां है। संघर्ष डरने वाली चीज नहीं है, संघर्ष शक्ति की मां है। वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। संघर्ष शक्ति की मां है, शक्ति बढ़ानी है तो संघर्ष बढ़ा दो। जितना पसीना बहेगा उतना पौरुष बहेगा। कभी इस बात को ट्राई करना हो तो किसी मजदूर के पास जाना, इतनी इतनी मिठाई खा जाते हैं। पसीना रहता है ना दिन भर, लेकिन उनकी जो शक्ति है उस पर वो प्राउड नहीं है, दुखी है। कहते भैया हमारे पास पैसा नहीं है, तो घर में कभी मकान मकान बने मजदूर आए तो पूछना कि कोई डायबिटीज है किसी को, पूछना शायद ही तुम्हें कोई मिले जो डायबिटीज हो। वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। किताबें एक माध्यम है मन को जगाने का, एक माध्यम है, सिर्फ माध्यम नहीं है, एक माध्यम है। इसलिए शिक्षा पे बल दिया जाता है कि किताबें एक माध्यम है मन को जगाने का, उससे बड़ा माध्यम है प्रकृति। किताबों से भी बड़ा माध्यम है प्रकृति। इसने आंख खोल के दुनिया को देखना शुरू कर दिया। तुम्हारे पापा चपरासी हैं, तुम किसी शादी समारोह में गए, तुम्हें कोई एंटरटेन ही नहीं कर रहा है, और तुम्हारे दोस्त के पिताजी डीएम है, साहब आगे पीछे, अरे साहब, अरे अरे भैया, अरे भैया पानी हाथ थूक दीजिए, भैया यहां हाथ में थूक दीजिए, भैया बाहर कहां जा रहे। ये देखने की चीजें हैं, वाह, शक्ति की पूजा होती है। तुम दुखी हो जाते हो, समझ बढ़ाओ, समझ बढ़ाओ, समझ, चीजों की समझ बढ़ाओ। राजस्थान में बारिश नहीं होती, मरुस्थल है, पेड़ है नहीं है, कोई ऑक्सीजन देने वाला नहीं है, और आसाम में बारिश ही बारिश होती है। जिसको देना आ गया उसको मिलने लगा। कबीर दास देख के ही तो दुआ लिख रहे हैं, कौन सा सेंट जोसेफ, सेंट एंथनी ऑक्सफोर्ड फिलाडेल्फिया में पढ़े हुए हैं। समझ बढ़ाओ, समझ, चैलेंज इज अपॉर्चुनिटी। चैलेंज इज अपॉर्चुनिटी फॉर टैलेंटेड पीपल। यही तो योग्यता है, और योग्यता क्या है, परसेंटेज लाना।
यही तो योग्यता है, यही यही तो योग्यता है इस जीवन में। योग्यता क्या है? यही सब तो हमारे देश में गलत बता दिया गया कि अरे भैया 98.6% डिप्रेशन का शिकार है। और वो जो हाईस्कूल में 3 बार फेल हुआ वो मंत्री बन गया, तो साहेब चिंता कोई है ही नहीं, चुनौतियों से निपटने में माहिर। और सिर्फ चुनौती ही नहीं, बेवकूफों से भी है? बताओ, कह रहे हैं कि ओझा को कोर्स नहीं चलाने दूंगा, इतना मेरे बच्चे गाली दे देंगे। वीडियो सर रिकॉर्डिंग, भगवान उनका भला करे, कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता है। ये आपके माता पिता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, उसकी खुशी है मुझे। ये चैलेंज इज अपॉर्चुनिटी फॉर टैलेंटेड पीपल। जवानी में तैयारी कर रहे हो, बुढ़ापे में थोड़ी कर रहे हो, और तैयारी चुनौती है। सूत्र हैं छोटे छोटे, उलझे रहोगे, खत्म। लड़ना है जीवन में, बस कुछ बातें पता होना चाहिए, किसके लिए लड़ना है। अब तुम आईएस के लिए लड़ रहे हो, बड़ी अच्छी लड़ाई है, तुम अगर क्लास में कुर्सी के लिए लड़ रहे हो, खत्म हो तुम। ऑटो रिक्शा वाले से लड़ रहे हो, रिक्शा वाले से लड़ रहे हो, खत्म। संघर्ष माँ है, किसकी? शक्ति की। जितना मस्ती में संघर्ष करते जाओगे शक्ति बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल श्री राम, इससे बड़ा एग्जाम्पल है ही नहीं दुनिया में भगवान। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने पैगंबर हिंद कहा, शांति पीस इज द मदर ऑफ डेवलपमेंट। एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1787 टू 1860, एक लंबे समय की शांति, सिविल वॉर हुआ, फिर स्थितियां कंट्रोल हो गई। क्या देखो, स्ट्रगल की मां कौन है? शक्ति की मां कौन है? स्ट्रगल। और विकास की मां कौन है? शांति। इस दुनिया में अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ है तो रिलीजन, और है बड़ी प्यारी चीज, क्योंकि अगर धर्म समझ में आ जाए खुदा बना दे, उससे नीचे बनाती ही नहीं। आईएस आईएस तो बहुत छोटी सी चीज है, दुनिया में सिर्फ 2% लोगों को धर्म समझ में आता है, बाकी सब धार्मिक तोते हैं। जिस डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर इतना बवाल हो रहा है, उनके नाम में ही थोड़ा हुआ है राम जी, भीमराव राम जी, क्योंकि राम जी किसका प्रतीक है? त्याग और तपस्या के। उन्होंने दोनों किया, और उन्होंने दोनों किया। भगवान कौन? जिसको फॉलो किया जाए।